बजट पर क्या अलग होगा सर? बजट पर क्या प्रतिक्रिया? बजट क्या रहा सर? बजट में जो मुझे पता चला है कि अब नौकरी पेशा वालों को भी खैर नहीं, अब डिविडेंड में भी शायद हिस्सेदारी सरकार लेने की तैयारी कर रही है। पेट्रोल डीजल में तो शेष बढ़ ही गया, 4 रुपए तक बढ़ गए। गरीबों का जो मनरेगा है उसमें तो कोई बदलाव नहीं। आत्मनिर्भर भारत, हाँ हाँ देखो, इतनी बार बोला गया है कि अब वो आत्म बेचो भारत सा हो गया है। बुढ़ापा जीवन का अंतिम पड़ाव है, जहां जीवन कमज़ोर हो जाता है तो अपने भरण पोषण के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्गों को उनके ही बेटे बहू बेटी द्वारा बोझ समझा जाने लगता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां अपनी ही बेटी दामाद और नाती ने डंगराडी गिरिडीह निवासी 90 वर्षीय नुखलाल साहू को मुंबई ले जाकर सिद्धि विनायक मंदिर के पास छोड़ दिया। उस रोते विलखते बुजुर्ग की पीड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो कोडरमा के एनजीओ संपर्ण के सहयोग से बुजुर्ग को सुरक्षित उनके घर डंगराडी पहुंचाया गया। मीडियाकर्मी शिखा वर्मा और अभिनेता नीरज सिंह राजपूत ने बुजुर्ग के साथ एक मार्मिक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, जो वायरल हो गया। इसमें झारखंड के कोडरमा जंक्शन का जिक्र था। हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज सिंह राजपूत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिखा वर्मा है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि आज हम सुबह सिद्धि विनायक मंदिर गए थे दादर, तो ये दादाजी हमें वहां पर घूमते हुए देखे तो शिखा ने ऑब्जर्व किया कि काफी देर से कुछ ढूंढ रहे हैं किसी को, ऐसा लगा हमें। तो शिखा ने उनसे पूछा कि आप कहाँ हैं, कौन है, चाय पीजिए, चाय पिलाया। तो उन्होंने बताया कि इनकी बेटी और इनके दामाद ये बिहार से हैं, एक्चुअली झारखंड से, और गांव का नाम भी इन्होंने बताया। कौन, क्या क्या नाम है गांव का? डगारदी। तो हम लोग तो समझ नहीं पा रहे हैं एक्चुअली वो सर्च करके। तो हम लोग सिद्धि विनायक से इनको घर पर ले आए। हमने सिद्धि विनायक में इनको देखा, ये किसी को ढूंढ रहे थे। इनके हाथ में थैला था, छड़ी थी, पूरे में घूम घूम के ढूंढ रहे थे। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ये कुछ किसी को ढूंढ रहे हैं शायद। तो मैंने इनको बुलाया, मैंने इनको चाय पिलाई, दादाजी आप चाय पी लो, आपको कुछ खाना है? उन्होंने बोला नहीं। फिर उन्होंने बताया कि कल रात में इनकी लड़की, दामाद और नाती थे, वो आए हुए थे और उन्होंने किसी पेपर वर्क करवा के पेपर पे साइन वगैरह कराया कि इतने इतने पैसे हैं ये वो, और इनको बोला आप यहीं बैठो, खाना खाओ, हम लोग आते हैं, और ऐसे बोल के छोड़ के चले गए। और हम मैंने पूछा कि आपकी बेटी दामाद मुंबई में रहते, तो इन्होंने बोला मुंबई में कोई नहीं रहता। कल ही ये दिन में ट्रेन से उतरे हैं दादर, और बेटी ने कुछ पेपर में साइन कराया दामाद ने, ये बोल के कि आपको 5,000 रुपये पेंशन मिलेगी, वृद्धों को मिलती है हर महीने। तो इन्होंने साइन कर दी और वो इनको खाना खिलाने के लिए बैठाए होटल में, वहां से चले गए। पूरा दिन नहीं आए, पूरी रात हो गई, वो होटल के बाहर सोते रहे, होटल के मालिक ने खाना भी खिलाया इनको। हमने इनको लेकर आ गए हैं हम दादर से, हम इनको पहले सिद्धि विनायक मंदिर से हम पहले इनको दादर स्टेशन ले गए, तो वहां पता चला कि वहां पे ट्रेन जो है रात में है, तो इनको हम दिन में छोड़ नहीं सकते थे, तो हम इनको अपने घर मलाड लेके आ गए हैं। फिर यहाँ से हमने मलाड पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी कर दी है इनकी गुमशुदगी की, ताकि अगर इनकी फैमिली ढूंढ भी रही हो, तो वैसे इनके मुताबिक इनकी लड़की और दामाद इनको छोड़ के गए हैं, तो वो अगर ढूंढ भी रहे होते तो वो अब तक वहां घूम रहे होते। और हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि हमने कुछ काम किया है तो हम आपको वो दिखा रहे हैं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को प्लीज, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके वायरल कर दीजिए, ताकि इनकी जो औलाद है, जो इन्होंने जिन्होंने इनको इतनी तकलीफ दी है, आज ही रात में ट्रेन में बैठ जाएंगे, 2 दिन बाद अपने घर पहुंच जाएंगे, इस सही सलामत घर पे पहुंच जाए, और इस वीडियो के जरिए कोई ना कोई इनकी हेल्प के लिए आगे आता रहे। गूगल के माध्यम से कोडरमा के एनजीओ की तलाश की और समर्पण एनजीओ से संपर्क स्थापित कर सारा वाक्य साझा किया।
संपर्ण के सचिव इंद्रमणि साहू ने बुजुर्ग को कोडरमा भेजने और ट्रेन की जानकारी देने की सलाह दी। तकरीबन 3 बजे स्टेशन जाकर उन्हें अपने संरक्षण में लिया और कार्यालय लेकर आई। उचित पोषण आहार के बाद उन्हें उनके घर सुकुशल पहुंचाया गया। तो बाद में फिर इनसे पूछा शिकर ने कि कहां से हैं आप, क्या है, तो फिर उन्होंने बताया कि ये मैं बिहार से आया हूं और झारखंड और कोडरमा कुछ ऐसा नाम बताया उन्होंने गांव का। तो वहां से इनके इनकी बेटी, इनके दामाद और उनका एक नाती, ये तीनों बिहार से कल दोपहर में पहुंची मुंबई और दादर सिद्धिविनायक के पास आके एक होटल में इन्होंने चाय नाश्ता किया और सामान उनके पास भी था, बैग सूट के सारे, और इनके पास भी था। तो उन्होंने अपना सामान उठाया और इनको बोला बाबू आप यहाँ रुको, जैसा इन्होंने बताया मुझे कि हम आते हैं थोड़ी देर में। तो इनको उधर बैठा के ये नाश्ता कर रहे थे। ये तो बुजुर्ग हैं बेचारे, बुजुर्ग और बच्चा एक ही सामान होता है एक्चुअली, ज़्यादा समझ नहीं होती है बुजुर्गों को और बच्चों को। तो वो बैठे रहे बेचारे भोले कि आएगी मेरी बेटी लेने के लिए मुझे। पूरा दिन बीत गया, रात हो गई, लेकिन वो लेने नहीं आए। तो होटल का मालिक भी बहुत सज्जन था, तो होटल के मालिक ने उन्हें खाना खिलाया, दादा ने बताया मुझे ऐसा। फिर होटल बंद हो गई तो होटल के बाहर एक फुटपाथ पे पट्टी थी, तो वो पट्टी पे इन्होंने रात गुजारी। सुबह हम मंदिर गए तो हमें ये मिले, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चली। तो फिर हमने सोचा चलो इनको एड्रेस पता है, बोले गोडरमा तक अगर मैं जाऊँगा तो उधर से घर जा सकता हूँ, क्योंकि मेरी बीवी है, मेरे 10 नाती हैं, बच्चे हैं, ज़मीन है मेरी। और सबसे बड़ी बात कि इधर पे मुंबई लाने के बाद इनकी बेटी ने और इनके दामाद ने एक पेपर में साइन कराए ये बोल के कि ये पेपर है आपको पेंशन मिलेगी हर महीने 5,000 रुपये। तो ये पेपर में वो बोल के साइन करा लिए और साइन करा के वो चले गए। तो जहाँ तक हम लोग, हमें ऐसा लगता, हो सकता हम गलत भी हो सकते हैं इस जगह पर, हमें लगता है कि शायद कोई ज़मीन वमीन के पेपर हों जो उन्होंने साइन करा ली हो अपने नाम पर और इनको छोड़ दिया हो। तो कई लोगों ने मुझे बोला कि अब ये आप छोड़ तो रहे हो लेकिन ये उनकी बेटी जो है या जो भी उधर रखेगा कि नहीं रखेगा, तो उनके बेटी के अलावा बेटे भी हैं, तो हो सकता है उनको जानकारी ना हो। बेटी जाके ये बोल दे कि भाई ये हम मुंबई गए थे तो ये गुम गए उधर, हम लोग आ गए, तो ऐसे अंधकार में भी रखा जा सकता है बाकी के परिवार को। ये बता रहे थे कि मेरी बीवी भी है, बहुत रोएगी उनको ये पता चलेगा, तो इनकी खेती बाड़ी भी है। तो अब शाम की ट्रेन गोडरमा एक ट्रेन है जो बीटी से छूटेगी, तो हमने इनकी ट्रेन की टिकट की है दादर से। तो जब इंश्योर हो गए हम लोग कि दादा पहुंच सकते हैं, तो बोले कि गोडरमा तक बेटा हम पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे गोडरमा तक। तो उधर उसके बाद हमें पता है कैसे जाना है। तो वो गोडरमा से बस में बैठ के उधर से उनको ये रूट पता है, तो हमने अपना नंबर दे दिया है इनको, ये पहुंच के हमें फ़ोन करेंगे तो श्योर हो जाएंगे। फिर हमने दादर से लाने के बाद जहां हम रहते हैं उधर के लोकल पुलिस स्टेशन में भी हमने इन्फॉर्म किया, तो उन्होंने सारी डिटेल्स की थी, हमारा नंबर ले लिया। अब गणपति बप्पा इनकी आगे रक्षा करेंगे, इधर से हम इनको गोडरमा तक पहुँचा देते हैं। उधर से वीडियो बनाने का मतलब, लाइव आने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि गोडरमा में या आसपास बिहार का कोई बंदा उस क्षेत्र के आसपास अगर हो, अभी आप शेयर करेंगे तो उसमें क्या होगा कि कोई ना कोई बहुत सारे लोग मिल जाते जो उधर उनको पिकअप कर ले, हो सकता इनको अच्छे से देख लीजिए आप और इनको थोड़ा सा हेल्प कर देंगे। बुजुर्ग हैं, पूछ नहीं पाएंगे, बोलेंगे तो कोई जबान समझ नहीं पाएगा, हम भी बड़ी मुश्किल से समझ पा रहे हैं इनकी भाषा, तो उसमें सब एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे। हमने इधर से उनको गोडरमा तक बिहार तक पहुंचा देंगे, बिहार से कोई और सज्जन मिल जाएगा तो उनको उनके गांव तक पहुंचा देगा। बताया जाता है कि बुजुर्ग के 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। कुछ जमीन अपनी बेटी के नाम कर देने के वजह से तीनों बेटों से उनकी अनबन रहती है। वो अपनी पत्नी के साथ गिरिडीह में किराए के मकान में बेटी व दामाद के पास रह रहे थे। इसी बीच बेटी और दामाद ने उन्हें मुंबई पहुंचाया और छोड़ दिया। इसके बाद अभिनेता और मीडिया कर्मी ने मदद की। तो दोस्तों फाइनली हम लोग 2 घंटे के सफर के बाद दादर पहुंच चुके हैं स्टेशन, दादाजी को लेके हमने प्लेटफॉर्म टिकट ले लिया है। दादाजी बहुत खुश हैं जाने के लिए, जा रहे हैं वो लोग। बस 10:20 पर इनकी ट्रेन है, इनको हमने बकायदा ट्रेन में
इनके बर्थ पे बैठाएंगे जो इनका रिजर्वेशन बर्थ है, और टीसी को हम बता भी देंगे कि इनको कहाँ उतारना है, और जो अगर पैसेंजर और बैठे होंगे उनसे भी बात करेंगे कि आप लोग कहाँ तक जा रहे हैं, उनको ज़्यादा को अगर उनकी नींद लग जाए या कुछ हो जाए तो उनको उतार दें उस जगह पर, और जहाँ उतरेंगे उधर से उनको इनके घर का एड्रेस पता है, मतलब वहाँ से इनका ऐसा बोलना है कि बस मिल जाती है तो बस में 40 रुपये लगेगा, उधर से घर पहुँच जाए। चलिए ट्रेन में बैठाते हैं फिर इनको। Who's got all this? I've got all this. From where? From the bagan. What is all this? Can you please tell me? This is kale, dhaniya patta, rye, and mooli. Oh, these are big moolies, yeah? Yeah. Where did you get these around from? Actually, I didn't get it from the market, but I did get it from the bagan. And what is this? Tomato. Carrots, my favorite. And what is in your hand? My hand, rye. Ooh, lovely. So, are you going to eat all this for dinner? I think so. All right, amazing. These are so healthy. They're healthy, right? Yeah. That's so much of kale. झारखंड के रामगढ़ जिले के प्रशासन की कार्यप्रणाली से नाराज चल रही है रामगढ़ की ही विधायक ममता देवी। पिछले कई महीनों से चर्चे में थी, लेकिन इस बार विधायक महोदय ने सिर्फ बयानबाजी ही नहीं की बल्कि एक बड़ा कदम उठाया है और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए अपने अंगरक्षकों को वापस लौटा दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, अपने जिला प्रशासन के रवैये से परेशान है विधायक ममता देवी। उन्होंने अब सुरक्षा में लगे हुए सुरक्षाकर्मी हवलदार बनवारी राम, मिथिलेश तिवारी और मिथिलेश यादव को वापस लौटा दिया है। उनकी जिला प्रशासन के कार्यप्रणाली के खिलाफ प्रतिक्रिया मीडिया सहित सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई थी। हाल ही में बीते दिनों गणतंत्र दिवस के दिन भी झंडोत्तोलन कार्यक्रम के दिन जिला प्रशासन को सम्मान देने के दौरान पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए वे नाराज होकर कार्यक्रम के दौरान ही एकाएक बीच में उठकर ही बेरंग चली गई थी। मीडिया कर्मियों से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर जिला प्रशासन केवल अपने ही अधिकारियों की तारीफ करते हुए सिर्फ उन्हें ही सम्मानित कर रही है जो विधायक को नगरबार गुजरा। स्थानीय विधायक होने के बावजूद भी कई मामले में संघर्ष और उग्र रुख अख्तियार करते देख जो एक बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जब एक प्रतिनिधि, वो भी विधायक जिनके राज्य में खुद की सरकार है, उसके बावजूद वो लगातार प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो आम जनता की स्थिति क्या होगी, ये बिल्कुल चिंतनीय विषय है। कुछ विगत महीनों से यहाँ पर जिला प्रशासन का रवैया यहाँ के आम जनता के प्रति काफ़ी उदासीन रहा है, जो कि हम लोग देखते आ रहे हैं। और साथ ही अगर हमारी जनता ही खुश नहीं रहेगी, जनता के द्वारा चुने गए एक जनप्रतिनिधि हैं हम लोग, और अगर जनता की ही बात नहीं सुनी जाएगी तो क्या फ़ायदा ऐसे अंगरक्षकों का, जिसको कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए लेके घूम रही हूँ, लेकिन हमारी जनता ही यहाँ सुरक्षित नहीं है। और पुलिस प्रशासन का, जिला प्रशासन का रवैया काफ़ी उदासीन है।
अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि एकत्रित करने का आगाज अब जामताड़ा में भी हो चुका है। जामताड़ा में लोग राम मंदिर के निर्माण के लिए बढ़ चढ़ कर सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। लोगों में राम मंदिर निर्माण के लिए काफ़ी उत्साह है। लोगों का कहना है कि आज हमारे रामलला का मंदिर बनने जा रहा है, जो हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। सनातन धर्म के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जामताड़ा से उम्मीद जताई जा रही है कि काफ़ी मात्रा में राम मंदिर निर्माण राशि अयोध्या जाएगी। हम लोगों को राम मंदिर निर्माण के लिए 5, 6, 7 और 15 वार्ड का प्रभार में है हम लोग, और जिस भी घर में जा रहे हैं हम लोग इतने उत्साहित हैं चंदा देने के लिए कि हम लोग 10 रुपया कह रहे हैं, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हमसे आप 100 रुपया लीजिए और ज़्यादा लीजिए, और लोग अपने इच्छा अनुसार खुद खुशी से इतना डोनेशन कर रहे हैं कि हमें लगता है कि बहुत भारी मात्रा में जामताड़ा से कलेक्शन जाएगा राम मंदिर निर्माण के लिए, और लोगों का उत्साह देखते बन रहा है। ये धन संग्रह नहीं, ये एक जन संग्रह है। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड पुराना पंचायत भवन में सामुदायिक पुस्तकालय भवन निर्माण को लेकर आज कमेटी का गठन किया गया। कमेटी गठन की अध्यक्षता मुखिया श्री बालेश्वर हेम्ब्रम ने की। मुख्य अतिथि के रूप में नारायणपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी महेश्वरी प्रसाद यादव ने टीम गठन को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की, जैसे पुस्तकालय भवन में कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चे निरंतर कैसे पुस्तकालय भवन में आए, पुस्तक की कमी ना हो। कमेटी के सभी सदस्यों को विभिन्न तरह की जानकारियां विकास पदाधिकारी ने दी। उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि पुस्तकालय भवन में सिर्फ बच्चे बच्चियों को पढ़ाई लिखाई तक संबंध रखना है, किसी भी तरह का वाद विवाद ना हो, ये जानकारियां सभी छात्र छात्राओं को दी जाए। उन्होंने बताया कि पुस्तकालय भवन विद्या अर्जित करने का मंदिर है। यह वह मंदिर है जहां बच्चे अपने भविष्य को सुधार सकते हैं, इसलिए किसी के बहकावे में ना आवे और पुस्तकालय भवन खुलने के बाद निरंतर पढ़ाई लिखाई करते रहे। वीडियो ने सप्ताह के एक दिन 2 टीचर की व्यवस्था करने की बात कही। ये मुखिया जी, हाँ, बड़ी खुशी की बात है। हम लोग यहाँ नारायणपुर पंचायत भवन में लाइब्रेरी का पुस्तकालय खुलने जा रहा है, इसके लिए मेरा भी बहुत खुशी है, और जितना भी यहाँ के लड़का लोग पढ़ने वाला है सब लोग यहाँ जा कर के पढ़ेंगे। रोज़ प्रतिदिन 10 बजे से लेकर के 10 बजे तक पढ़ सकते हैं। आज नारायणपुर पंचायत में जो पुस्तकालय का निर्माण किया जा रहा है उसके लिए निगरानी कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष, सचिव, लाइब्रेरियन बनाया गया है। इनके जिम्मेवारी होगी कि पुस्तकालय कैसे निरंतर रूप से संचालित हो, उनका देख रेख करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और राजद के केंद्रीय महासचिव सुभाष यादव ने भाजपा और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। श्रम मंत्री ने जहां प्रदेश की पूर्ववर्ती रघुबर सरकार पर बेरोजगार युवाओं के साथ रोजगार के नाम पर भद्दा मजाक करते हुए उनकी भावनाओं से खेलने का आरोप लगाया। पूर्ववर्ती सरकार ने अखबार में छापा था कि 1 लाख लोगों की नियुक्ति होगी, और जब लोग जाते थे खेलगांव में तो 6,000 रुपया महीना यूपी भेज देता था, और पंजाब और बंगाल वहाँ भाड़ा भी नहीं, घर के भाड़ा भी नहीं होता था। हमने कहा है कि जो हमारे क्वालिफिकेशन जिनका है, MBA, BBA, BCA, BTEC, जिनके पास डिग्री है, उनको हम प्रत्येक जिला में रोजगार में लगा कर रोजगार से जोड़ने काम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित करेंगे, और जो नॉन डिग्री हैं, जिनके पास योग्यता नहीं है, उनको हम हाथ का हुनर देंगे। जो हमारे बहनें चाहती है कि हमको सिलाई मशीन काम सीखना है, कोई चाहता है कि बिजली मशीन काम सीखना चाहते हैं, कोई हमारे युवा चाहता है कि हम प्राइमरी मिस्त्री काम सीखना चाहते हैं, कोई चाहता है कि हम नर्स की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो जिनका जो इच्छा है उनको हम 3 महीना का प्रशिक्षण शुभारम्भ कर रहे हैं चतरा में। इसी फरवरी से प्रशिक्षण
केंद्र हमने 6 करोड़ रुपया का आदेश दे दिया कि प्रशिक्षण दिलाइए हर एक प्रखंड में और उसको हम प्लेसमेंट भी करेंगे मेला लगा करके। जो युवती जिनके पास डिग्री नहीं है हाथ का हुनर है उनको हम 12,000 रुपया 3 दिन का भोजन और रहने का होटल की व्यवस्था की है। वहीं लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी सुभाष यादव ने भाजपा को जाली पार्टी करार करते हुए उसके जाली नेताओं द्वारा 26 जनवरी को लाल किला पर झंडा फहराकर देश को अपमानित करने का आरोप लगाया। तेजस्वी प्रसाद यादव जी 10 लाख रोजगार का बात किए तो भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार बोले जाते हैं 19 लाख की घोषणा किया। आज सुने होंगे कि पारा शिक्षकों का और जो अपने हकूक हकूक के लिए जो धरना प्रदर्शन कर रहा है उस पर प्रवर्तापूर्वक लाठी चलाई जा रहा है। तो हम लोग तो काम में विश्वास करते हैं, हमेशा लोगों के बीच में रहने की बात करते हैं और हमारे मंत्री भी रोजगार सृजन का मंत्री हैं। हमेशा बीच में करीब करीब अपने क्षेत्र में अगल बगल के क्षेत्रों में और आने वाले दिन में राष्ट्रीय जनता दल एक झारखंड में इतिहास रचने जा रहा है। इस तरह से कार्यक्रम हमेशा होते रहेगा, मिलते रहेंगे। हमारे मंत्री जो है पूरे झारखंड का दौरा करेंगे, हम लोग भी इनका साथ में कदम मिलाकर के चलने का काम करेंगे। मिलनसार व्यक्ति हैं और देखें कि जिस जब से कार्यक्रम का आयोजन हुआ है जनता से मिलना जुलना इनका खूबी रहा है और मिलनसार है। हम इनका उज्ज्वल भविष्य का कामना करते हैं। आज झारखंड के गढ़वा शहर के बिशनपुर स्थित पुलिस लाइन में 6 पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी हुए सेवानिवृत्त। एसपी ने दिया सभी को विदाई। गौरतलब है कि पुलिस लाइन में आज विदाई समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गढ़वा एसपी श्रीकांत एस राव खोत्रे उपस्थित हुए। एसपी ने कहा कि पुलिस की नौकरी कैसी होती है आप सभी जानते हैं, सभी लोग 38 वर्ष की नौकरी की है। पुलिस की विशेषता यह है कि पुलिस के साथ साथ सामाजिक सेवा भी करते हैं, परिवार को भी देखते हैं, ड्यूटी भी करते हैं। अब आप पारिवारिक जीवन में जा रहे हैं, आप हमेशा याद रहेंगे। सच्ची सेवा के लिए आपको दिल से सैल्यूट करता हूं। आज गढ़वा जिला बल से जो 6 लोग सेवानिवृत्त हो गए थे तो उनको विदाई देने हेतु विदाई समारोह का आयोजन किया गया था।